हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू याचना साइंस क्लासेस। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। एज यू नो दैट वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 8, एंड इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस अबाउट द डिजीज एड्स। टुडे ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी ड्रेडफुल डिजीज, दैट इज कैंसर। एवरीबडी इज अवेयर अबाउट द टर्म कैंसर। सबने बहुत सुना है कैंसर के बारे में, डेली लाइफ में सुनते रहते हैं कि कैंसर बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है, बहुत डेंजरस है। हर किसी के मुंह से तुम्हें ये वर्ड सुनाई देता है। आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या उसकी डायग्नोसिस है, क्या ट्रीटमेंट है, और कैसे कैंसर वाली सेल्स हमारी नॉर्मल सेल से अलग हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंसेस ऑफ दो सेल्स विच आर नॉर्मल ह्यूमन सेल्स एंड विच आर कैंसरस सेल्स। दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं। सेकेंड थिंग, हम ट्यूमर के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप्स के ट्यूमर होते हैं। थर्ड थिंग, हम मेटास्टेटिस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेज है कैंसर की, वो पढ़ेंगे। कैंसर के टाइप्स पढ़ेंगे, कार्सिनोजेंस जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं, कॉजेज ऑफ कैंसर हैं, उनको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ कार्सिनोजन, किस किस तरह के कैंसर कॉजिंग एजेंट्स हैं जिनसे कैंसर होता है, वो कौन कौन से टाइप्स के हैं। देन डायग्नोसिस, हाउ कैंसर कैन बी डायग्नोज, वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स, एंड ट्रीटमेंट। एट लास्ट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रीटमेंट। सो कैंसर इज देयर, कैंसर इज द मोस्ट ड्रेडफुल डिजीज, वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडिड डिजीज इन द वर्ल्ड। इन इंडिया मोर देन मिलियन पीपल आर सफरिंग फ्रॉम कैंसर, एंड अ लॉट ऑफ देम डाई एवरी डे। बहुत सारे उनमें से मर भी जाते हैं कैंसर की वजह से। इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मल ह्यूमन सेल, ये कोई नॉर्मल ह्यूमन सेल है? ओके, दिस इज नॉर्मल ह्यूमन सेल। तो इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि इट बिकम कैंसरस सेल? दिस नॉर्मल ह्यूमन सेल बिकम क्रेजी, ये क्रेजी हो जाते हैं, मीन्स इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है, सम चेंजेस अकर इन डीएनए, सडन चेंजेस अकर इन डीएनए, ड्यू टू विच इट बिकम कैंसरस सेल। ये क्या बन गई, यहाँ पर कैंसरस सेल्स बन जाती है। ठीक है, ये कोई डाकू बन गई है, गुंडा बन गई यहाँ पे, है ना। तो नॉर्मल ह्यूमन सेल बिकम कैंसरस सेल ड्यू टू चेंज इन इट्स डीएनए ड्यू टू म्यूटेशन। अब वो किस तरह के म्यूटेशन होते हैं, क्यों होते हैं, डीएनए में चेंजेस क्या होता है? अच्छा, अगर हम बात करें कि नॉर्मल ह्यूमन सेल और कैंसर सेल में डिफरेंस क्या है, हाउ इट कैन बी डिफ्रेंशिएटेड। फर्स्ट डिफरेंस इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, टू प्रॉपर्टी वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ह्यूमन सेल एंड कैंसरस सेल। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्टैक्ट ह्यूमन कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सपोज वी आर टेकिंग नॉर्मल ह्यूमन सेल इन अ पेट्री डिश इन लैब। हमने लैब में एक नॉर्मल ह्यूमन सेल ली और उनको ग्रो कराना शुरू किया पेट्री डिश में। दिस सेल इज ग्रोइंग लाइक दिस, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो सेल्स आर ग्रोइंग, एंड अ टाइम रीच वैन दे टच ईच अदर। वैन दे टच ईच अदर देन दे स्टॉप ग्रोइंग, दे स्टॉप डिवाइडिंग और दे स्टॉप ग्रोइंग। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मीन्स वैन नॉर्मल ह्यूमन सेल आर ग्रोन इन पेट्री डिश इन लैब, then when they start touching each other, when they become in contact with each other, they stop dividing and their growth is controlled. This property is known as contact inhibition. But what happen in case of cancerous cells? When they are allowed to grow, to divide in a petri dish, suppose they are growing like this, and when they become in contact with each other, when they touch each other, they doesn't stop dividing and they स्टार्ट डिवाइडिंग लाइक दिस। वो यहाँ से डिवाइड करना शुरू कर देती है, यहाँ से ग्रो करना शुरू कर देती है, मीन्स दे डोंट स्टॉप डिवाइडिंग, दे डोंट स्टॉप डिवाइडिंग एंड दे शो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, दे शो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। ओके, इट मीन्स दे लैक द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, एंड दे मेक अ ट्यूमर, और यू कैन से ट्यूमर सेल, और यू कैन से नियोप्लास्टिक सेल्स, नियोप्लास्टिक
cells. So this is the basic difference between normal human cell and cancerous cell. Now we will discuss about the types of tumor. कि tumor किस किस type के होते हैं? Are all tumor harmful or not? Let's see. Tumors are basically of two types. Tumor are of two types. First one is benign tumor. Second is malignant tumor. Okay. Now benign tumor is that tumor which confined to its original location, which remain at its original location. जो अपनी original location पर रहता है वहाँ से हिलता नहीं है. That is benign tumor. It is not dangerous. Never it is dangerous. Okay, it doesn't cause any damage. Like तिल, हमारी body पे तिल होता है ना, किसी की hand पे तिल, like I have a तिल on my right palm. बहुत सारों के तिल होते हैं. तो ये तिल क्या होते हैं, ये भी एक ट्यूमर होता है, बट दैट इज benign ट्यूमर. समझ रहे हो? दैट इज benign ट्यूमर. इट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. वो अपनी जगह पे ही रहता है एंड डजेंट कॉज एनी हार्म. कोई हार्म नहीं करता है. सो वट यू विल राइट इन benign ट्यूमर? दीज आर नॉट डेंजरस. दे कन्फाइंड टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन. Confined to its original position. Okay, not spread. फैलता नहीं है. Okay, but if we talk about malignant tumor, it is very very dangerous. बहुत dangerous होता है. Next thing, spread from one place to another. Like benign tumor never spread, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है, but malignant tumor फिरता रहता है गली गली में. ठीक है, this is malignant tumor. It spread from one place to another. Like this is the tumor. यहाँ पर कोई tumor बन रहा है, cell growth कर रही थी, and this is the tumor here. Now this tumor go to blood vessel. यहाँ पर कोई blood vessel है, blood vessels में चला जाता है, and you know that blood is a transport mechanism. Due to this blood, this tumor go from one place to another. जहाँ पर जाएगा body में वहीं पर lodge हो जाएगा. It will lodge in the body. वहाँ पर जम जाएगा और वहीं पर नया tumor बनाना शुरू कर देता है. This is the malignant tumor. Okay. तो जब ये ऐसे करता है तो एक stage आती है metastasis. Metastasis. It is the most feared stage or most feared property of cancer. सबसे डरावनी और सबसे last stage जिसको बोलते हैं metastasis होती है. यहाँ पर क्या होता है, this tumor spread from one place to another. Wherever it will go, it will start a new tumor. जहाँ भी जाएगा एक नया tumor बनाना शुरू कर देगा और वहाँ पर ये cancer cause करेगा. Malignant tumor. This is metastatic stage. In one mark, generally this question is asked. Is it clear? So, ये दो type के tumor हैं जो तुमने learn करने हैं. Next thing is, हम कर रहे थे difference between normal human cell and cancer cell. एक difference हम कर चुके हैं कि normal human cell have the property of contact inhibition, but cancerous cell lack the property of contact inhibition. Okay. Now second property जिसके बेस पे normal human cell और cancer cell में difference होता है वो कौन सी है, telomerase activity. Telomerase activity. Telomerase is an enzyme. See, ये normal human cell है. This is normal human cell. Chromosome is there. ये इसका telomere होता है. ठीक है. अच्छा, जब भी कोई नॉर्मल ह्यूमन सेल डिवाइड कर रही होती है, इसने टू सेल बनानी है, क्रोमोसोम का बिल्कुल एंड वाला पार्ट कट जाता है और क्रोमोसोम का साइज छोटा हो जाता है. मीन्स व्हेन सेल डिवाइड देन द क्रोमोसोम विल बिकम शॉर्ट आफ्टर ईच सेल डिवीजन. हर एक सेल डिवीजन के बाद क्रोमोसोम का साइज थोड़ा छोटा होना शुरू हो जाता है. क्यों? क्योंकि जो ये
कॉर्नर्स हैं वहाँ से टेलोमेरेज, एक तरह से यूँ कह लो कि टेलोमेरिक जो एंड है वहाँ से वो कट होना शुरू हो जाता है, ब्रेक होना शुरू हो जाता है, जिससे क्रोमोसोम का नंबर साइज़ छोटा होता चला जाता है। और ह्यूमन जो सेल हैं, नॉर्मल ह्यूमन सेल हैं, ये कैसी होती हैं, इनकी सेल लाइन कैसी होती है, मॉर्टल सेल लाइन मीन्स आफ्टर सम सेल डिवीजन, आफ्टर सम साइकिल ऑफ सेल डिवीजन, लाइक 10 साइकिल हो गए, 20 साइकिल हो गए, उस सेल डिवीजन के बाद ये सेल मर जाते हैं, दे बिकम डाइड, हमेशा डिवाइड नहीं करती रहती हैं, दे बिकम डाइड आफ्टर सम सेल साइकिल, ओके, इसीलिए इसको मॉर्टल सेल लाइन बोलते हैं, क्लियर। बट वॉट हैपन इन केस ऑफ कैंसरस सेल, क्रोमोसोम इज देयर, हेयर टेलोमेरेज एंजाइम वर्क्स, टेलोमेरेज नाम से ऐसा लग रहा है कि टेलोमेरेज को डाइजेस्ट करने वाला होगा, बट इट इज नॉट देयर, इट प्रोटेक्ट टेलोमेरेज पार्ट, ये इस टेलोमेरेज पार्ट को कट नहीं होने देता है और हर एक सेल के अंदर क्रोमोसोम का जो साइज है वो सेम रहता है इन केस ऑफ कैंसरस सेल। अब सेम रहेगा तो सेल साइकिल चलती रहेगी, कभी भी स्टॉप नहीं होगी, कंट्रोल ग्रोथ नहीं होगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, तो यहां पर जो सेल लाइन होगी वो कैसी होगी, इमोर्टल सेल लाइन इन केस ऑफ कैंसरस सेल। सो दिस इज द सेकेंड डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल ह्यूमन सेल एंड कैंसरस सेल, दैट नॉर्मल ह्यूमन सेल हैव मोर्टल सेल लाइन बट कैंसरस सेल हैव इमोर्टल सेल लाइन। इन सेल्स को जो हमेशा ऐसे ग्रोथ करती रहती हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ करती रहती हैं, स्टॉप नहीं करती हैं, इन सेल्स को हम एक और सेल बोलते हैं, हीला सेल्स। नाउ व्हाट इज दिस, वन लेडी वॉज देयर हुज नेम वॉज हिनेरिटा, सेनोरिटा नाम तो सुना हुआ है ना, तो वही हिनेरिटा लेक्स, शी वॉज ए लेडी, इसी के फर्स्ट टू लेटर्स लेके हेला सेल्स बनाई है। इस लेडी की डेथ हो गई थी कैंसर की वजह से, एंड साइंटिस्ट ने जब इनकी सेल को लैब में ग्रो करा के देखा तो व्हाट दे सॉ दैट हर सेल्स वर नॉट स्टॉपिंग ग्रोइंग, वो ग्रोथ उनकी होती जा रही थी अनकंट्रोल ग्रोथ, वो कभी भी मर नहीं रही थी, सेल डिवाइड करती जा रही, डिवाइड करती रही, ग्रोथ करती रही, बट दे नेवर बिकम डाइड, तो इन सेल्स को बोला गया हेला सेल्स, क्लियर। सो ये दो प्रॉपर्टी हैं जिनके बेस पे हम नॉर्मल ह्यूमन सेल्स को और कैंसरस सेल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज टेलोमेरेज एक्टिविटी, ओके। सो नाउ वी विल डू टाइप्स ऑफ कैंसर, कितने टाइप का होता है कैंसर, वैसे तो बेसिकली बहुत सारे टाइप्स होते हैं बट मेनली वी विल डू थ्री टाइप्स अकॉर्डिंग टू आर एनसीईआरटी। फर्स्ट टाइप इज कार्सिनोमा, सेकेंड इज सार्कोमा एंड लास्ट इज ल्यूकेमिया, ओके। कार्सिनोमा, इट इज द कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। नाउ यू सी, कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोलेगा कि अरे आपको तो एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर है, वो पर्टिकुलर नाम बताते हैं ना, जो आपको लंग कैंसर है, आपको ब्रेस्ट कैंसर है, आपको स्टमक कैंसर है, पेंक्रेटिक कैंसर है, मींस वहाँ पर जो एपिथेलियल टिश्यू है उसके अंदर कैंसर हुआ है उस पर्टिकुलर ऑर्गन में, इसलिए वो ऑर्गन का नाम बताते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल किसका आएगा, लंग कैंसर, दिस इज अ टाइप ऑफ कार्सिनोमा, ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड वन इज लाइक पेंक्रियाटिक कैंसर, नेक्स्ट इज स्टमक कैंसर, ओके। 85% आउट ऑफ 100, 85% अकेले कार्सिनोमा होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज सार्कोमा, इट इज द कैंसर ऑफ दोज टिश्यू विच डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, उन टिश्यूज का कैंसर जो मेसोडर्म से डिराइव हुए हैं उसको सार्कोमा बोलते हैं। कौन कौन, लाइक बोन कैंसर, मसल कैंसर, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ सार्कोमा, क्लियर। थर्ड टाइप इज ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया इज ब्लड कैंसर,
मोस्ट डेंजरस इट इज ब्लड कैंसर. इसमें क्या होता है कि जो ब्लड की सेल्स होते हैं देयर नंबर इंक्रीज, ब्लड सेल्स नंबर इंक्रीज, ब्लड सेल लाइक WBC हैं, RBC हैं, इनका नंबर बढ़ जाता है. दिस इज ब्लड कैंसर. ओके, सो थ्री टाइप ऑफ कैंसर, कार्सिनोमा विच इज द कैंसर ऑफ एपिथीलियल टिश्यू, सार्कोमा विच इज द कैंसर ऑफ दोज टिश्यू विच डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म, एंड थर्ड टाइप इज ल्यूकेमिया. क्लियर. नेक्स्ट थिंग वी विल डू कॉजेज ऑफ कैंसर. कैंसर होता क्यों है, व्हाट आर द कॉजेज. सो कॉजेज ऑफ कैंसर, सी वन टर्म इज देयर कार्सिनोजन. कार्सिनोजन, दीज आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स. जो कैंसर कॉज करते हैं उनको कार्सिनोजन बोलते हैं. कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर नोन एज कार्सिनोजेंस. ठीक है, क्या होता है, दिस इज नॉर्मल ह्यूमन सेल. ये नॉर्मल ह्यूमन सेल है, यू कैन राइट हियर नॉर्मल ह्यूमन सेल. दे हैव सम जीन्स विच आर नोन एज प्रोटो ओंको जीन्स. प्रोटो ओंको जीन्स, Whenever these genes comes in contact of carcinogen, जब भी कोई carcinogen के contact में आती हैं, then they become active. वो क्या हो जाती हैं, active हो जाते हैं और cancer cause करती हैं. And they make oncogene from proto-oncogene. Oncogenes. नेम इज टेलिंग प्रोटो वर्ड इज देन, इट मीन्स ये ओंकोजीन इनएक्टिव फॉर्म में है. जब भी कैंसर कोजिंग एजेंट्स की कॉन्टैक्ट में आती हैं तो ये क्या बन जाती है, ओंकोजीन. अब हम उन्हीं एजेंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो ये कार्सिनोजेंस होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एजेंट्स हैं जो कैंसर कोज करते हैं, क्या उनकी टाइप्स हैं. सी टाइप्स ऑफ कार्सिनोजेंस, these are total of three types. First one is physical carcinogen, second one is chemical carcinogen, and third one is biological carcinogen. Physical, chemical and बायोलॉजिकल कार्सिनोजन, टोटल थ्री टाइप ऑफ कैंसर कॉजिंग एजेंट्स आर देयर. फिजिकल कार्सिनोजन आर आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन. आयनाइजिंग रेडिएशन एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस मीन्स जो भी ये रेडिएशंस होती हैं, रेज होती हैं, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस. सम आर आयनाइजिंग एंड सम आर नॉन आयनाइजिंग. आयनाइजिंग में एग्जाम्पल डालोगे, एक्स रेज आर देयर, गामा रेज आर देयर विच आर आयनाइजिंग रेडिएशन एंड विच कॉज कैंसर. सेकेंड इज नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में एग्जाम्पल आएगा यूवी रेज विच आर वेरी हार्मफुल फॉर अस, दे कॉज कैंसर. केमिकल कार्सिनोजन में ओनली यू विल लर्न द एग्जाम्पल ऑफ टोबैको. हाउएवर मेनी केमिकल्स आर देयर लाइक those people who are doing dupatta dyeing, textile dye industry में काम करते हैं, they also comes in contact of those chemicals, those carcinogen which cause cancer. But here you are to learn only tobacco. Third one is biological carcinogen. Some viruses are there, biological viruses are there which cause cancer. How they cause cancer? See, see, suppose this is a virus, okay, and it is very happy, it is having oncogenes, viral oncogenes, viral oncogenes. Whenever it will attack any human cell, ye human cell hai, ye human cell ko attack karega, then it will
transfer its viral oncogene in human and this will cause cancer. ये अपनी oncogene को human में डाल देगा, it will become a cancer. ठीक है. For example, human papilloma virus, it cause cervical cancer. ये females के अंदर cervical cancer cause करता है. And do you remember whenever we were doing STDs, sexually transmitted disease, we learnt about a disease genital warts, which is also caused by human papilloma virus in females. Is it clear? So these are three types of carcinogen: physical carcinogen, chemical carcinogen, and biological carcinogen. Clear? Next thing is we will discuss about diagnosis of cancer. How cancer can be diagnosed? कैसे पता लगाया जाए कि cancer है? Diagnosis. Total four methods are there to diagnose cancer. First one is biopsy and histopathological studies. What is done here? जिस part में, जिस organ में cancer है, वहां से tumor का कुछ part cut कर लिया जाता है. It is cut and then studied under microscope. उसको microscope के अंदर उस tissue को study किया जाता है. ठीक है. What you will see, this tissue will show abnormal structure and function. Abnormal structure and function is shown by this tissue under microscope, which should not be shown by it. जो इसका काम नहीं है, जो इसका structure नहीं है, वो सब इसके अंदर दिखाई देगा. This is the histopathological studies. But कहाँ कहाँ से tissue के part को cut किया जाएगा? It is not an easy task. कहाँ कहाँ से cut करें, तो growth करती रहती है ना. ठीक है. Second type, X-ray. और X-ray या इसका जो है second name, one more name is given to it, let me tell you, that is radiography. This is radiography, you write. Radiography. What is done here? X-ray are used. Now you will say, ma'am, you were saying that X-ray are a carcinogen. X-ray तो cancer cause करती है. But what happens? जो X-ray cancer cause करते हैं, वो high intensity पे होती है, then they cause cancer. But here, low intensity X-ray will be used. Low intensity X-ray are used to detect that cancer is there or not. Low intensity X-ray is used. It will show 2D image. ठीक है. Third type is CT scan. CT scan. CT full form is computed tomography. Computed tomography. Here also X-rays are used, but to find out 3D image of cancer cells. 3D image of cancer cells. बट है तो हार्मफुल ही दोनों चीज़ें बॉडी के लिए. एक्सरेज आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स. लास्ट वन इज MRI, विच इज द मोस्ट सेफेस्ट डायग्नोस्टिक टूल. दिस इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. इट डज नॉट इंक्लूड एनी टाइप ऑफ रेडिएशन. इट यूज मैग्नेटिक फील्ड. ये क्या यूज करता है? मैग्नेटिक फील्ड ये टेक्निक यूज करती है. And this is the safest technique. This question was asked in NEET exam in 2017 or 2018, that out of these four techniques, which diagnostic tool is most safest for detection of cancer? That is MRI, magnetic resonance imaging. So these are four techniques, four tools to diagnose the cancer. Remember them properly. Last topic for today is treatment of cancer. How cancer is treated? Treatment of cancer. First
is surgery. Second is chemotherapy. Third type of treatment is radiotherapy या radiation therapy. And last one is immunotherapy. These four things we are to discuss now. Four ways of treatment are there. Clear? What happen in case of surgery? जहां पर भी tumor है उसको remove कर दो, वहां से cut कर दो. बट कौन कौन से पार्ट को कट किया जाएगा? जो कैंसर पूरी बॉडी में फैल जाता है, किस किस पार्ट को कट किया जाए? तो ये इतनी अच्छी टेक्निक नहीं है. ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं हम कट द पार्ट. क्लियर? नेक्स्ट इज कीमोथेरेपी. हियर सम ड्रग्स आर यूज्ड, ड्रग्स यूज्ड टू किल कैंसर सेल्स. कैंसर सेल्स को किल करने के लिए ड्रग्स यूज की जाती हैं कि वो कैंसर सेल को किल कर दे. कैंसर सेल्स कौन सी हैं? जो फास्टली ग्रो कर लेती हैं, जो फास्टली ग्रो करती रहती हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ होती रहती है. बट क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन सेल भी क्या हो जाती हैं? किल हो जाती हैं. नॉर्मल ह्यूमन सेल, जो कुछ नॉर्मल सेल्स भी तो है ना ह्यूमन की, जो बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, जैसे हमारे नेल्स बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, हेयर्स बहुत फास्टली ग्रो करते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं, है ना, हेयर फॉलिकल्स, तो ये नॉर्मल ह्यूमन सेल को भी किल कर देती है. क्योंकि ड्रग्स को थोड़ा ना पता है कि नॉर्मल है कि कैंसर है. वो तो बस उन सेल को किल करने जाते हैं हमारी बॉडी में जो बहुत फास्टली ग्रो कर रही हैं, बहुत स्पीडली ग्रो करते हैं, रैपिड माइटोसिस हो रही है जिनके अंदर. तो हेयर फॉलिकल्स भी ऐसे हैं, तभी तो जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनके बाल उड़ जाते हैं, गंजे हो जाते हैं वो, है ऐसा होता है. ऐसे ही बोन मैरो को भी ये हार्म करती है. बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, एनीमिया हो जाता है. ठीक है, तो जो जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं ये सबको किल कर देती हैं. इसमें हम उन ड्रग्स के एग्जाम्पल लिख सकते हैं लाइक विनब्लास्टिन एंड विनक्रिस्टिन. ये दो ड्रग्स हैं विच आर यूज्ड इन कीमोथेरेपी. एंड दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट, दैट इज मीन्स नेचुरली, दीज आर नेचुरल. कैथारेंथस रोजियस, कैथारेंथस रोजियस इज द प्लांट फ्रॉम वेयर दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड. क्लियर? मीन्स इट इज मच बेटर देन सर्जरी बट नॉट मस्ट, यू नो दैट बेस्ट. थर्ड इज रेडिएशन थेरेपी. अगेन हेयर रेडिएशंस आर यूज, मीन्स रेज और रेडिएशंस आर यूज टू किल द कैंसर सेल्स. सपोज दिस इज द ट्यूमर और यहाँ पर जो है रेडिएशन गामा रेज, हमने गामा रेज को यूज किया टू किल दीज कैंसर सेल्स, कि ये कैंसर सेल्स को जाके किल कर दे, मार दे. बट आसपास की सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं. यू नो कि रेडिएशन ऑल्सो कॉज कैंसर. लास्ट वन इज इम्यूनोथेरेपी. हेयर व्हाट हैपन, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बना दिया जाता है. इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बना दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट, इम्यूनो रिस्पॉन्स मॉडिफायर. इम्यूनो रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स आर यूज्ड टू मेक द इम्यून सिस्टम मोर स्ट्रॉन्ग. कुछ ऐसे मॉडिफायर बॉडी में डाल दिए जाएं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, कैंसर से खुद ही लड़ने लग जाए. एग्जाम्पल इज अल्फा इंटरफेरोंस. अल्फा इंटरफेरोंस. क्लियर? सो दीज आर द फोर मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी मेथड, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी. बट वन क्वेश्चन आई वॉन्ट टू आस्क इट लास्ट, दैट वाई आर वी मच वरी, हमें इतनी टेंशन क्यों है? सेल ग्रो कर रहे तो करने दो, अनकंट्रोल ग्रोथ होने दो, व्हाट्स द प्रॉब्लम? डिवाइड करते रहे, व्हाट इज द प्रॉब्लम? बट व्हाट इज दैट मेन प्रॉब्लम, कि नॉर्मल ह्यूमन सेल है और एक साइड में उसके कैंसरस सेल है. नॉर्मल ह्यूमन सेल तो अपनी नॉर्मल ग्रोथ करे, बट कैंसर सेल ग्रो करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है. तो करती जा रही है तो उसको तो बहुत एनर्जी चाहिए ना. वो एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है? उस न्यूट्रिशन से, फूड से. तो जो न्यूट्रिएंट हम, जो फूड हम खा रहे हैं वो नॉर्मल ह्यूमन सेल को मिलने की बजाय वो उससे छीनने लग जाती है. कौन? कैंसर सेल.
वो सारी की सारी एनर्जी, सारा फूड खुद ले जाती है. एंड आर नॉर्मल ह्यूमन सेल बिकम स्टार्व एंड दे बिकम डाई ऑफ हंगर, वो भूख की वजह से मर जाती हैं. तो जब नॉर्मल सेल मर जाएंगे, कैंसर ग्रो करते रहेंगे, इट विल नॉट बी हार्मफुल फॉर, नॉट बी बेनिफिशियल फॉर आर बॉडी. दैट्स वाई वी आर मच वरी. कैंसर सेल शुड नॉट बी देयर, नॉर्मल ह्यूमन सेल शुड बी देयर. इज इट क्लियर? आई होप दिस कैंसर टॉपिक इज क्लियर. आई ट्राइड माई बेस्ट. यू लर्न इट फ्रॉम एनसीईआरटी. मेक योर नोट्स एंड दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड फॉर योर नेट एग्जाम. सो ट्राई योर बेस्ट ऑल्सो फॉर योर बोर्ड एग्जाम. एंड नेक्स्ट थिंग विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, दैट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू एवरीबडी.